क्या सच में पकड़ा गया बच्चा चोर? बच्चा चोर गिरोह में आखिर कितने लोग काम करते हैं? बच्चा चोर गिरोह आखिर कैसे बच्चों को चुरा लेता है? बच्चा चोर के गिरोह के लोग किस तरह से दिखते हैं? बच्चा चोर गिरोह बच्चों के किडनी को और किन किन अंगों को बेचता है, कितने में बेचता है? और क्या ये जितने भी लोग आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं इनमें से ही कोई है बच्चा चोर? बच्चा चोर को लोगों ने कैसे पकड़ा? किन किन जिलों से, किन किन जगहों से बच्चा चोर गिरोह को पकड़ा गया? इन सभी चीज़ों को जानने के लिए, अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको बता दें कि बच्चा चोर गिरोह सच में काम करता है पूरे देश में और गांव के क्षेत्रों में ज़्यादा जाता है, क्योंकि गांव के क्षेत्रों में आसानी से लोग जल्दी सो जाते हैं, लाइट की व्यवस्था नहीं होती है, बच्चा चुराना आसान होता है। लेकिन अब जनता बोलेगी न्यूज़ इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। आगे आप देखिए कि बच्चा चोर कह करके इस महिला को पकड़ा गया है, क्या यही बच्चा चोर है? इसके लिए आपको बने रहना होगा, बने रहिएगा और अपने बच्चों का ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, घरों में रहिए, बच्चों पर नज़र रखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हालांकि अब जनता बोलेगी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। देखिए कैसे इसको पकड़ा गया। जो देख सकते हैं कि लड़का चुराने वाली लड़की ये औरत है, जो औरत ये पागल रूप में है कि कोई विश्वास ना करे, भग गया। पता नहीं कितना ये लोग अपराधी हैं, कितना किडनी बेच चुके हैं, कितना बच्चों लोग को ये लोग मार चुकी हैं, कितना क्या कर चुकी हैं। मैं आइए हम लाइव तस्वीरें में दिखा रहा हूँ। अब हमको विश्वास हुआ कि ये सचमुच ये लड़के चोर है, अपराधी है। मैं यही चाहता हूँ कि भैया अपने बच्चों को रखें, तो बच्चों का अगर स्कूल में छोड़ना हो तो साथ लेकर जाए। देखिए ये देखिए यही पकड़ी गई है, अभी पकड़ी गई है और यहाँ के लोग पकड़े हैं। अभी पुलिस के हवाले नहीं किया गया है, अभी लोग इसको मारे नहीं है, इसको अभी देखा जाए कितना बच्चे चुराई है, कितना किडनी बेची है। इस तरह से हम अभी जवाब पूछेंगे। अभी मारा नहीं गया है, कोई एक्शन नहीं उठाया गया है, अभी एक्शन कोई नहीं उठाया गया। अभी आइए हम फिर पूछेंगे इससे कि ये महिला कितना किडनी, कितना बच्चों को चुरा कर लेकर गई है, कितना किडनी बेची है, कितना फेफड़ा बेची है, कितना आँख बेची है। आइए कितना इस समय में लड़का के कितना पे चुरा चुकल बड़ी, मारेंगे थोप्पड़ से, कितना लेकिन के चुरा चुकल बड़ी लड़कन के बड़ा, कितना चुरा चुकल बड़े, कितना लेकिन के बड़ा चुरौले बड़ी, कितना कितना कहते नदी भाई में बिक के चल वो खा दी, कितना लेकिन का चुरा चुकल बड़े बताओ, ये वो का चुरा चुकल बड़े हाथ कोई नहीं चलाएगा, ये बताओ कितना पैसा में बेचल बड़ी लड़का के, उसके बताओ लड़का कितना पैसा बेचल बड़ी, फिर ताको की मारो, मारे कितना पैसा में बेचल बड़ी बताओ कितना पैसा बेचल बड़ी, 18 लाख के। जो आप देख सकते हैं कि ये महिला 18 लाख में काल में 18 लाख में ये लड़का बहुत सप्लाई कर चुकी है। इस लड़के अभी बता रही है कि हमारे पास 3-4 गेम है और यहाँ पे बम्बई दिल्ली हम लोग घूमते हैं, देहात क्षेत्र में घूमते हैं और ये लड़की, ये हम लड़का सप्लाई कई गो कर चुके। अभी भी लड़का एक ठो चुराने वाली थी, वो लड़का बच गया, पता नहीं कितना लड़का चुराई होगी। 18 लाख रुपया कह रही है कि 18 लाख में हम बेचे हैं। यही महिला है, देखिए इसी को नाम है धरखोसवा, गांव के लोग कहते हैं धरखोसवा से बच कर। देखिए क्या इसमें फोकस किया, देखिए यही है महिला, इस महिला से बच कर रहे हैं, इस महिला से बच्चों को बचा कर रखे। ये देखिए कि यही कितना भाग से है, इसका गेन है। अभी इसको इंसाफ अभी तो मिलेगा, बाकी अभी देखा जाए। और भी मैं बातें मैं पूछना चाहता हूँ, मैं ये बताओ तुर घर कहाँ थी, तुर जिला कहाँ पड़ेगा, कब तोरा साथ में बड़ा सुन,
तीन गो वाला सा रामपुर पता बा कहां बा हां रामपुर पता बा कहां बा हां बा केनो प्रभा कसिया से आगे जाते तो देवरिया के बा। अच्छा।